हाय एवरीवन, मैं हूँ रुशना शेख 657 प्रोडक्शन से और आज का एपिसोड इज ऑल अबाउट कैमराज एंड देयर टाइप। गाइज, जनवरी और फैब की वेडिंग्स के लिए 6x7 प्रोडक्शंस को अपनी फोटोग्राफी सर्विस के लिए अभी बुक करें। तस्वीर खींचने के लिए ऑब्वियसली एक अदद कैमरा चाहिए होता है, और जहां बात आती है कैमरा टाइप्स की तो हमारे पास बहुत सी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो चलें, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। मोस्ट सीरियस फोटोग्राफर्स DSLR टाइप कैमरा सिस्टम को प्रेफर करते हैं। कैनन, नाइकन, नाइकॉन, निकॉन, व्हाटएवर, पैंटेक, सोनी, इस तरह के सब बड़ी बड़ी कंपनीज की अपनी अपनी DSLRs की सीरीज है। DSLR इज एन एब्रीवेशन ऑफ डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। DSLRs के बारे में हम डिटेल्स और लॉट्स ऑफ डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। इवन कुछ सीजन तो होंगे ही सिर्फ और सिर्फ DSLRs के डिस्कशन में। मगर इसका सबसे बड़ा फायदा इसके इंटरचेंजेबल लेंसेज हैं। व्हाई डिफरेंट लेंसेज? लेंसेज हमें डिफरेंट किस्म के क्रिएटिव ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, which we use in our advantage to tell a visual story. और हमारी अगली एपिसोड इज ऑल अबाउट लेंसेज, सो स्टे ट्यून्ड। लेंसेज की फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा DSLR की मेन एडवांटेज, DSLR की मुजक्कर नहीं मोनस है ये, ठीक है? लेंसेज की फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा DSLR का मेन एडवांटेज इनकी इमेज क्वालिटी है। अब सवाल ये है कि DSLR की इमेज क्वालिटी अच्छी या बेहतर क्यों है? क्या ये बड़ा है इसलिए? कैमरा तो नहीं, मगर इसकी इमेजिंग चिप का साइज जरूर बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी इमेजेस की क्वालिटी नॉर्मल कैमरों से अच्छी है। इसके अलावा DSLRs के दो स्टैंडर्ड इमेजिंग चिप साइजेस हैं। छोटे वाले सेंसर को APS-C साइज या क्रॉप सेंसर कहते हैं, और बड़े या फुल साइज वाले सेंसर को फुल फ्रेम कहते हैं। इसके अलावा कैनन ने बीच में एक लुच भी तली है, APS-H सेंसर्स। फॉर नाउ इसको अभी इग्नोर करें। अच्छा, तो फुल फ्रेम कैमरास के सेंसर का साइज पुरानी 35mm वाली रील के नेगेटिव के जितना है। ये इमेजिंग सेंसर्स बिल्कुल पुरानी रीलों की तरह ही काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पुरानी रील के हर नेगेटिव पे सिर्फ एक ही तस्वीर खींचती थी, अब जमाना जदीद है, एक ही सेंसर बार बार लाइट एडजस्ट करके उस लाइट को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से SLR टाइप कैमरों के नाम के साथ डी लगा दिया गया है, विच डी इज फॉर डिजिटल। बहुत सी रीजंस की वजह से द बिगर द सेंसर द बेटर द इमेज क्वालिटीज, स्पेशली बिगर सेंसर लो डिजिटल नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इमेजेस ज्यादा क्रिस्प नजर आते हैं। अच्छा भाई, ये बात अभी तक के लिए तो ठीक थी, मगर टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बदल रही है, बट इट स्टिल अप्लाइज। ये कैमरे का जितना बड़ा सेंसर होगा उतनी अच्छी इमेज क्वालिटी होगी, वजह जरा सी टेक्निकल है, मगर फोटोग्राफी टिप्स के इस सफर में इंशाल्लाह आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जितनी आसानी से एक्सप्लेन हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, अगर कोई बात मेरे से मिस हो जाए या गलत हो जाए तो नीचे कमेंट्स में हमसे जरूर शेयर करें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे सेंसर साइज और उसका तस्वीर की क्वालिटी से ताल्लुक। हर कैमरे का सेंसर, ऑल्सो नोन एज इमेजिंग चिप, तस्वीर खींचते वक्त लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बल्कि अब से मैं इमेजिंग चिप को सेंसर ही कहूंगी, ठीक है? सेंसर्स की वजह से हर डिजिटल इमेज में डिजिटल नॉइस पैदा होता है। अब ये डिजिटल नॉइस क्या है भाई? लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये ऊपर दिए गए इमेज में खुद ही देख लें। जिस तरह केबल खराब होने की वजह से टीवी में शर शर आती है ना, अंग्रेजी में इसको डिजिटल नॉइस कहते हैं। तो हमारी क्या बात चल रही थी? हाँ, हर डिजिटल कैमरा पिक्चर में डिजिटल नॉइस क्रिएट करता है। अब जितना बड़ा सेंसर होगा कैमरे का, उतना बड़ा और डीप पिक्सल और उसका साइज होगा। इस साल आईफोन X के कैमरा की मार्केटिंग भी एप्पल वालों ने इसी बात के साथ की है, जिसकी वजह से हर पिक्सल में इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। और किस्सा है मुख्तसर, बड़े सेंसर की वजह से इमेज में डिजिटल नॉइस कम होगा। अब सवाल ये है कि आया डिजिटल नॉइस कोई बुरी चीज है? हाँ ना, डिजिटल नॉइस जितना कम होगा उतनी तस्वीर ज्यादा साफ और अच्छी नजर आवेगी। तो ब्रो, जिधर बात आती है बड़े सेंसर्स की, वहां बात आती है फुल फ्रेम के बापूजी की, और ये है मीडियम फॉर्मेट कैमरास। और ये ज्यादातर वो फोटोग्राफर्स यूज करते हैं जो या तो ऊपर के पोर्शन से खाली हो चुके होते हैं और क्वालिटी और रंगों में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। हमारा प्रोड्यूसर उन पागलों में से एक है। मीडियम फॉर्मेट्स के बारे में हम मुस्तकबिल में तफसील से बात करेंगे, बल्कि इन फ्यूचर हम मीडियम फॉर्मेट कैमरास पे फोटोशूट भी करेंगे,
और कंपेयर भी करेंगे कि आर दे वर्थ द प्राइस। अच्छा, कुछ सालों पहले एक नया फितना उठा कैमरा टेक्नोलॉजी में, जो कि DSLR कैमरा मार्केट के कंपेटिटिव हैं, और ये हैं मिररलेस कैमरे। DSLRs की तरह इनके लेंजेज भी इंटरचेंजेबल हैं, जिसकी वजह से हम फिश आई लेंजेस से लेकर टेलीफोटो लेंजेस तक सब इन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब किसी निकम्मे को भी नाम से समझ में आ जाएगा कि इन मिररलेस कैमरों में मिरर ना होवे, जो कि DSLR में हुए। SLR कैमरा एक मिरर इस्तेमाल करता है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। ये लेंस में से गुजरने वाली लाइट को व्यू फाइंडर तक पहुंचाता है। अब व्यू फाइंडर क्या है भाई? दिस इज व्यू फाइंडर। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, SLR का मिरर लाइट को बेंड करके व्यू फाइंडर के थ्रू फोटोग्राफर को वही दिखाता है जो कि लेंस के थ्रू कैमरे को नजर आना है। तो बेसिकली जब आप फोटो को खींचने के लिए कैमरे के बटन को दबाते हैं तो मिरर आगे से हट जाता है और लाइट सेंसर तक पहुंच जाती है। ये DSLRs का डिजाइन पुराने वक्तों के रीलों वाले SLRs कैमरा पे ही बेस्ड है। एक छोटी सी बात, कभी आपने ये सोचा है कि सिंगल लेंस रिफ्लेक्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि पहले ऐसे भी कैमरास आते थे जिनको TLR यानी कि ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कहते थे। सो बेसिकली एक लेंस आपको दिखाता था कि कैमरे के आगे क्या चल रहा है और दूसरा लेंस रील को दिखाता था कि कैमरे के आगे क्या चल रहा है। अब ये DSLRs के मिरर्स अपने मैकेनिज्म की वजह से भी जगह लेते हैं, तो कैमरा कंपनी ने सोचा इस मिरर को तो निकालें, बाकी इस मिरर वाले काम के लिए कोई और साइंस लड़ा लेंगे ताकि कैमरे का साइज तो छोटा हो सके। अच्छा, इनके अलावा एक और कैमरा कैटेगरी है जो कि DSLR और मिररलेस दोनों में एग्जिस्ट करती है, और वो कैमराज हैं माइक्रो फोर थर्ड। अब इनकी कहानी क्या है? कुछ सालों पहले कैमरा बनाने वाली कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां इकट्ठी हुई। उन्होंने सोचा चलो मिलके एक ऐसा कैमरा सिस्टम बनाते हैं जिनके कुछ स्टैंडर्ड्स तो सेम हो, और उन्होंने इस कैमरा स्टैंडर्ड को माइक्रो फोर थर्ड का नाम दे दिया। इन कैमरों की मजे की बात यह है कि माइक्रो फोर थर्ड कैमरे का लेंस ख्वाह वो किसी भी कंपनी का हो वो दूसरे माइक्रो फोर थर्ड कैमरे को लग जाता है, मगर कैनन, नाइकन और पेंटिक्स जैसी कंपनीज के कैमराज में ऐसा नहीं है। इन सब बातों के अलावा इन कैमरों के कुछ फायदे और नुकसान तो अपनी जगह हैं ही, मगर उस्ताद ये सब कैमरे अपनी अपनी हैसियत रखते हैं फोटोग्राफी की दुनिया में। DSLR कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, मगर कुछ फोटोग्राफर मिररलेस के Q2 से नन्हे मुन्ने से और लाइट वेट डिजाइन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और जहां नन्हे मुन्ने कैमरास की बात आती है, वहां बात आती है पॉइंट एंड शूट कैमरास की। ये भी मिररलेस ही होते हैं, मगर लेंजेज आर नॉट इंटरचेंजेबल और क्वालिटी भी बस ओके ओके। ये पॉइंट एंड शूट कैमरास कीमत में सस्ते, साइज में छोटे, यूज में इंतहाई इजी और डेली यूजेज के लिए बेहतरीन है। अब अल्हम्दुलिल्लाह स्मार्टफोन्स की बरकत से पॉइंट एंड शूट की सेल काफी कम हो गई है, मगर ये अभी भी जिंदा है। आजकल तो भाई हर किसी के पास भी स्मार्टफोन है, पावे कोई भी ब्रांड हो, इनके कैमरे भी रोज बरोज पहले से बेहतर होते जा रहे हैं। दूसरा, न्यूअर जनरेशन के मोबाइल फोन्स की इमेज क्वालिटी पहले से काफी बेहतर है। तीसरा, इनके एडवांस मोबाइल एप्स और सबसे जरूरी चीज इंटरनेट कनेक्टिविटी, जिसकी बरकत से आप जब मर्जी अपनी फोटोग्राफी को सोशल मीडिया पे दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। है ना कमाल की बात पांडे जी? मोबाइल फोटोग्राफी के अलावा और कोई ऐसी फोटोग्राफी नहीं है भाई जिसके इतने इमीडिएट रिजल्ट्स हों। खैर, इन सब बातों का कतई मतलब नहीं है कि पॉइंट एंड शूट मर गए। महंगे पॉइंट एंड शूट कैमरास का रिजल्ट ऑब्वियसली मोबाइल फोन से बहुत बेहतर है, और महंगे पॉइंट एंड शूट कैमरास का फायदा ये है कि वो रॉ में फोटो खींचते हैं। अब रॉ इमेज क्या है ये भी एक कहानी है, जो कि फिर किसी एपिसोड में डिटेल से बता दूंगी। आपके लिए यही कि अगर आपका कैमरा रॉ में इमेज खींचता है तो बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए रॉ मोड में तस्वीरें खींचे। कुछ शहजादे हैं, शहजादियां ऐसी भी मिलेंगी जो कि आपको ये कहेंगी कि रॉ में ना तस्वीरें कम आती हैं, इसलिए हम ना JPEG में खींचते हैं। इन सब कैमरों के बाद दे आर एक्शन कैमराज एंड ड्रोन्स, जिनमें से फेमस तरीन आर GoPro एंड DJI फैमिली। ये बड़े अखीर किस्म के कैमराज हैं और अंत किस्म की फोटोग्राफी और वीडियो के लिए दीज आर बेस्ट, क्योंकि बाकी कैमराज वो काम नहीं कर सकते जो ये कर सकते हैं, जैसे कि अंडर वाटर फोटोग्राफी एंड दे कैन शूट इन द स्काई। एक्शन फोटोग्राफी के लिए GoPro कैमरा बेस्ट है। इनको माउंटिंग ब्रैकेट की हेल्प से किसी भी गाड़ी, हेलमेट, बाइक पे लगाया जा सकता है। बहुत से लोग समझते हैं कि एक्शन कैमराज और ड्रोन्स सिर्फ वीडियोज के लिए हैं। नो ब्रो, यू आर रॉन्ग। दीज कैमराज कैन टेक वेरी गुड क्वालिटी फोटोज एज वेल। तो फिर आपके लिए कौन सा कैमरा बेहतर है? कुछ तो शायद कहेंगे कि या अल्लाह मेनू ये सारे कैमरे दे दे, फोन और पॉइंट एंड शूट जैसे कैमरा
रोजमर्रा की तस्वीरों के लिए काफी हैं। प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी कामों के लिए मिररलेस और DSLR कैमरास। दिमाग तवाजन खराब है या पैसा बहुत है तो मीडियम फॉर्मेट कैमरा सिस्टम, और एक्सट्रीम एक्शन फोटोग्राफी के लिए एक्शन कैमरास। ओके गाइज, आज के एपिसोड के लिए इतना ही, और हाँ, जाते जाते नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें ट्विटर पर फॉलो करें। We update useful information on all social media platforms. Also follow and like us on Facebook and Instagram as well. Next week tak ke liye, Allah Hafiz, take care, bye.